नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग के बाद लगातार चांद पर जमीन खरीदने की खबरें आ रही हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि वो चांद पर जमीन खरीदना चाहते हैं। चांद पर जमीन खरीदने वालों की लिस्ट में बीजेपी नेता का नाम भी शामिल हो चुका है। आपने अक्सर सुना होगा कि पिता बेटे को कार या बाइक गिफ्ट करते हैं, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि किसी पिता ने बेटे को चांद पर जमीन खरीद कर गिफ्ट की? अगर नहीं सुना तो आज हम आपको सुनाते हैं। दरअसल इस नेता ने अपने बेटे के लिए चांद पर जमीन का टुकड़ा खरीदने का फैसला किया है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। भाजपा नेता ने अपने बेटे के लिए चांद पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है। इसको लेकर बीजेपी नेता का कहना है कि मेरा बेटा चांद जैसा दिखता है, इसलिए मैंने चांद पर जमीन खरीद कर उसे गिफ्ट किया है। चांद पर जमीन खरीदने वाले भाजपा नेता का नाम ओम सागर बताया जा रहा है, जो बरेली के आंवला तहसील के रहने वाले हैं। वो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं। उन्होंने बताया कि मैंने अपने बेटे नामया सागर के लिए चांद पर जमीन खरीदी है और इसके कागजात मैंने उसे गिफ्ट किया है। वहीं न्यूज़ एजेंसी INS की रिपोर्ट के मुताबिक ओम सागर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महासचिव भी है। ओम सागर ने चांद पर लेक ऑफ ड्रीम्स के नाम पर अपने बेटे के लिए एक एकड़ जमीन खरीदी है। ओम सागर के मुताबिक उन्होंने यह डील लूना सोसाइटी इंटरनेशनल के जरिए की है। वहीं चांद पर जमीन लेने को लेकर उनका कहना है कि मुझे मेरा बेटा चांद जैसा दिखता है, इसलिए मैंने गिफ्ट के तौर पर उसे चांद पर जमीन खरीद कर गिफ्ट देने का फैसला किया। फिलहाल भाजपा नेता ने जमीन कितने में खरीदी है इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है। वहीं ओम सागर की पत्नी और नामिया की मां रेखा सागर ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा अपने जीवन में काफ़ी सफल हो और वो एक दिन चांद पर पहुंचे। पहले तो चांद पर जाना ही एक सपना था, लेकिन इसरो की मेहनत के बाद भारत चांद पर है और उसी चांद पर इस पिता ने बेटे के लिए चांद पर जमीन खरीदी है, जो किसी सपने से कम नहीं है। हालांकि कई लोगों में इस बात को लेकर विश्वास नहीं है। खबर नहीं 31 के साथ आप देखते रहिए पंजाब की सुरक्षा।